हे राम, तुम्हारे कहने पर मैं पंपापुर को जाता हूँ। वीडियो में तुम थोड़ा देर रुको, मैं बीजेपी की हाल सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी, जातीय जनगणना, जनता की आवाज, भाजपा की खामोशी। भारतीय जनता पार्टी जनगणना से भागती है, जनता की आवाज से भागती है, ये भारतीय जनता पार्टी की खामोशी है साहब। राहुल गांधी ने उठाई पिछड़ों की लड़ाई, भाजपा की चुप्पी पर उठे सवाल। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पर साहब लगातार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का, जनरल समाज के लोगों का, स्वर्ण समाज के लोगों का लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है ना साहब, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का आवाज नहीं उठा रही है, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों का सवाल नहीं पूछ रही है। भाजपा क्यों डरती है जातीय जनगणना से? जवाब जनता को ही नहीं देती है। आप एक चीज बताइए कि इस देश में वोटों की गिनती तो होती है, इस देश में कितना लोग बेरोजगार है उसकी गिनती होती है, इस देश में कितना दलित, कितना अल्पसंख्यक, कितना पिछड़ा है इसकी भी गिनती होना बहुत ही जरूरी है। जनता का नारा जातीय जनगणना हो, सबको न्याय मिले। जनता का साहब अब नारा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय अगर नहीं मिलेगा ना तो ये देश कैसे चलेगा आगे। राहुल गांधी जी का जैसे नारा भी है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, न्याय मिलना चाहिए। भारत में जातिगत असमानता और भेदभाव एक गंभीर समस्या है साहब। आप जानते होंगे कि इस देश में अभी भी जाति के नाम पर कैसे भेदभाव हो रहा है, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है आप जानते हैं साहब। लेकिन उनकी भागीदारी अगर आप देखिएगा सरकारी संस्थानों में तो जीरो है, मतलब शून्य। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुड़ी, और ना रहेगी सरकारी संपत्ति, ना रहेगी सरकारी नौकरी, तो पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को जागने की जरूरत है। भाजपा सरकार पर जाति गणना से बचने का आरोप है। भाजपा की सरकार है ना साहब, ये जातीय जनगणना का इस पे आरोप भी है, क्योंकि करवाना नहीं चाहती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करता हूं कि जातीय जनगणना साहब करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी का अभियान, राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग को आपने अभियान का मुख्य हिस्सा बनाया। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा के माध्यम से जातीय जनगणना को एक अहम मुद्दा बनाया है। जातीय जनगणना इस देश में बहुत ही जरूरी है साहब। उनका मानना है कि जातिगत असमानता को समझने और उसे दूर करने की दिशा की पहल पर पहला कदम है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितना जोर आज के समय पर आदरणीय राहुल गांधी जी दे रहे हैं ना जातीय जनगणना पर, इससे पहले न किसी सरकार ने दिया है और न ही वर्तमान सरकार दे रही है। जनता का समर्थन, जनता ने इस अभियान को व्यापक समर्थन दिया, खासकर दलित और पिछड़े समुदाय से। जो दलित और पिछड़ा समाज के लोग हैं ना, वो साहब फुल समर्थन कर रहे हैं कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आज का जो लोग है ना साहब, जो ऊंची पट्टी के लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो। लोग समझ गए हैं कि बिना जातीय जनगणना के समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना असंभव है। अब आप एक चीज बताइए कि जब तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक इस देशवासियों को कैसे उनको न्याय मिलेगा? दलित को कैसे न्याय मिलेगा? शोषित को कैसे न्याय मिलेगा? अल्पसंख्यक को कैसे न्याय मिलेगा? आदिवासी को कैसे न्याय मिलेगा? मिनोरिटी को कैसे न्याय मिलेगा? सवर्ण समाज को कैसे न्याय मिलेगा? ब्राह्मण समाज को कैसे न्याय मिलेगा? ये जानना साहब बहुत जरूरी है। भाजपा की चुप्पी, भाजपा सरकार की इस मुद्दे पर चुप्पी और अन्यायपूर्ण नीतियों को उजागर करती है। जनता अब इस चुप्पी का जवाब मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आपसे जनता जवाब मांग रही है, क्योंकि जो आपने वादे किए थे ना, जो अन्याय आपकी सरकार में जनता के साथ में हो रहा है ना, अब उसका आपको जवाब देना बेहद जरूरी है। जातीय जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जातिगत असमानताओं को समझने और उसे दूर करने के लिए दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है। जातीय जनगणना साहब सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं दर्शाती है, उससे साफ और स्पष्ट पता चलेगा कि इस देश में कितने लोगों के साथ में कितना परसेंट अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी और उनके अभियान का समर्थन करके जनता एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है। राहुल गांधी के इस अभियान से अगर सक्सेसफुल हो गया ना साहब, तो एक समानता आएगी देश में, जो मैं हर बार बोलता हूं कि मानववाद की क्या पहचान, बावन भंगी एक समान। उत्तर प्रदेश में न्याय की चीख, मोदी, मीडिया का मौन। मैं हर बार गोदी मीडिया पे साहब सवाल पूछता हूं, और मैं जानता हूं कि इस देश की जो मीडिया है ना, वो मोदी नामा पढ़ने का काम करती है। इस देश की जो मीडिया है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुकम करने की काम करती है। इस देश की मीडिया साहब सवाल नहीं पूछ रही जो पेपर लीक होते हैं। भाजपा राज जहां बहनों की सुरक्षा सिर्फ एक वादों में। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व जब चुनाव हो रहा था ना, तो हमारे जो रक्षा गृह मंत्री हैं अमित शाह जी,
वो आए थे और उत्तर प्रदेश में ही हमारे कह रहे थे कि ऐसी एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, ऐसा कानून लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर घूमेंगी। अब आज के समय पर कैसी गहना लाद कर घूम रही है आप भी जानते हैं। रामपुर की त्रासदी, जब न्याय मांगने पर मिली मौत। साहब आपने रामपुर की घटना तो देखी ही होगी। जान जंगल राज की गारंटी भाजपा सरकार की नीति, भाजपा सरकार की नीति और गारंटी इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है ना साहब, वो 24 घंटा समर्थन में कसीदा पढ़ने का काम करती है और बताती है मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तब कहां चली जाती है जब 2 करोड़ रोजगार के लिए युवा बोलता है। मोदी की गारंटी तब कहां चली जाती है जब किसान अपने MSP के लिए बोलता है। और मोदी की गारंटी, अमित शाह की गारंटी तब कहां चली जाती है जब महिलाओं का अपहरण हो जाता है। आप सोचिएगा जरूर साहब। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान कानून व्यवस्था पर चिंता की जाए, जिससे आरोपियों को खुला छोड़ दिया गया है। अब बताइए कि आरोपियों जो पेपर लीक हो जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ जुमला दिया जाता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कब होगी भगवान जाने। उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराधों के कुछ उदाहरण, जैसे पेड़ पे लटके नाबालिग बहनों के शव, IIT BHU में गैंगरेप और न्याय न मिलने पर महिला जज की आत्महत्या। आप सोचिएगा साहब जरूर, जो 3 लड़के थे ना जो IT सेल से ताल्लुकात रखते थे, किस प्रकार से दरिंदगों ने क्या कर डाला आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का योगदान, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से एक इस समस्या को उजागर करने के लिए प्रयास का जिक्र करें, कांग्रेस के न्याय की मांग को आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। राहुल गांधी के साथ में साहब उत्तर प्रदेश की जनता तो सदैव तत्पर है, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा जब मैं न्याय यात्रा में था किस प्रकार से राहुल गांधी के समर्थन में लोग जुड़े हुए थे। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा लिया जाए। भारतीय महिलाओं के लिए न्याय, राहुल गांधी का संकल्प, असमानता समानता की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महिला आरक्षण बिल पर बड़ी बहस। STEM में महिलाओं, राहुल गांधी की पहल में नई उड़ान। महिला अधिकारों की नई नीति, नई सुबह। राहुल गांधी का विजन के साथ साहब, राहुल गांधी की महिलाओं के साथ में है। महिला संसदीय प्रतिनिधि, महिलाओं में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, ये सब जो भागीदारी पर बात राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से भाग रही है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद।